हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं चैन सॉ मैन के बारे में, उसका एपिसोड 1 मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम डेंजी होता है, वो अपने कर्ज को कैलकुलेट करता रहता है और वो कहता है कि मुझे 60,000 येन पेड़ काटने के पर मंथ मिलते हैं। मैंने अपनी किडनी भी बेच दी, मैंने अपनी राइट आई भी बेच दी, लेकिन फिर भी 38 करोड़ येन अभी चुकाने और बाकी हैं। और वो अपने मॉन्स्टर पेट से कहता है कि चलो कुछ मारा जाए। दरअसल वो एक डेविल हंटर होता है और उसको इसके पैसे मिलते हैं। वो कहता है कि मुझे एक डेविल को मारने के लिए लगभग 3,00,000 येन मिलते हैं और डेविल हंटर होने में काफी फायदा है। फिर वो एक टोमेटो डेविल को मारता है और कहता है कि सर इसको जला दीजिए, नहीं तो इसके बीच से ये वापस जिंदा हो जाएंगे। और वो आदमी कहता है कि बहुत अच्छे, इसे ब्लैक मार्केट में काफी अच्छी कीमत मिलेगी और तुम्हारा रिवॉर्ड 4,00,000 येन है। उस आदमी का भी कर्ज डेंजी के ऊपर रहता है और डेंजी कैलकुलेट कर कहता है कि सिर्फ 70,000 येन ही मेरे लिए बचे और उसमें से भी वाटर बिल पे करने के बाद और बाकी लोगों के कर्ज चुकाने के बाद उसके लिए खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। और वो अपने मॉन्स्टर पेट से कहता है कि हमें आज सिर्फ एक ब्रेड के स्लाइस से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी वो आदमी कार से जाता हुआ रहता है और उसका ड्राइवर उससे कहता है कि हम इस छोटे से बच्चे को डेविल हंटर बनाकर क्यों रखे हुए हैं। तो आदमी इनसे कहता है कि हम इसे अपने कर्ज वापस चुकाने में ही मदद कर रहे हैं, दरअसल ये सारे कर्ज उसके डैड ने लिए थे। तभी ड्राइवर उससे कहता है कि क्या एक छोटा सा बच्चा अपने पेट डेविल के साथ एक डेविल हंट बनने के काबिल भी है। तभी आदमी कहता है कि डेंजी के बारे में एक अच्छी बात क्या है कि वो वैसा ही करता है जैसा हम उसे कहते हैं। तभी वो ड्राइवर डेंजी को चलते चलते एक सिगरेट देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 100 येन दूंगा अगर तुम इसे खा जाओ। और डेंजी ये सुनते ही वैसा ही करता है और डेंजी को 100 येन मिल जाते हैं। डेंजी अपने पेट डेविल से कहता है कि हम और 3 दिन तक खाना खा सकते हैं। डेंजी आगे कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रेड पर जैम लगा के खाना काफी नॉर्मल है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने कर्ज को नहीं चुका पाएंगे अपने मरने से पहले। डेंजी कहता है कि मैं किसी गर्ल के साथ कभी बाहर नहीं जा सकता और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। अगर सपने सच होते हैं तो मैं एक गर्ल को हक करना चाहूंगा अपने मरने से पहले। तभी हमें बताया जाता है कि डेंजी पोचिता से अपने पेट डेविल से कैसे मिला था। तो वो आदमी जो डेंजी से डेप्ट कलेक्ट करता था वो अपने कार में रहता है और डेंजी को कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पैसे कैसे लौटाओगे, कि तुम भीख मांगोगे या कुछ भी, मुझे 7,00,000 येन चाहिए कल तक, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर बेच दूंगा। डेंजी उस समय काफी दुखी होता है और उसे वहीं पर पोचिता मिलता है और डेंजी उसे कहता है कि ये तो एक डेविल है, अगर तुम मुझे मारना चाहो तो तुम मुझे अभी मार सकते हो। तभी डेंजी ध्यान देता है कि वो भी जख्मी है और वो मरने वाला है। डेंजी पोचिता से कहता है कि मैंने सुना है कि डेविल अगर किसी को खून पिए तो उनकी चोट ठीक हो जाती है, तुम मुझे काट सकते हो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। और पोचिता उसे काट लेता है और डेंजी तभी कहता है कि मेरा ब्लड फ्री में नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मुझे बचाओगे। और डेंजी पोचिता की मदद से एक डेविल को मारता है और उस आदमी से कहता है कि क्या तुम मुझे एक डेविल हंटर के रूप में रखोगे। डेंजी कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे नींद नहीं आ रही, जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं अपने कर्ज के बारे में सोचने लगता हूँ और ये मुझे और भी मुश्किल कर देता है सोने में। तभी अचानक डेंजी के मुंह से खून आने लगता है। डेंजी सोचता है कि मेरे मॉम ने कहा था कि उन्हें एक हर्ट कंडीशन था और वो कफिंग कर मर गई। तभी वो आदमी डेंजी के दरवाजे पर आता है और कहता है कि हमें एक डेविल मिला है और ये तुम्हारा काम का वक्त है। वो आदमी डेंजी को लेकर एक अजीब सी जगह पर आता है। डेंजी उससे पूछता है क्या वो डेविल यहाँ है सर, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्या वो कहीं छुपा हुआ है। वो डेंजी से कहता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और हम काफी खुश हैं तुमसे। वो आदमी डेंजी से कहता है कि तुम एक कुत्ते की तरह ओबीडियंट हो और तुम कोई भी छोटी मोटी चीजों के लिए काम करते हो। वो आदमी कहता है कि बात यह है कि मुझे कुत्तों से नफरत है। तभी एक आदमी डेंजी को पीछे से तलवार मार देता है जिससे पोचिता भी मर जाता है। तभी वो कहते हैं कि हम याकूजा के बॉयज हैं। वो आदमी कहता है कि हम और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा पैसा चाहते हैं, तो हम डेविल से एक डील किए हैं। वो आदमी कहता है कि हमें डेविल की पावर चाहिए और एक डेविल कहता है कि और हमें सिर्फ डेथ चाहिए। उस आदमी ने डेविल से ये डील कर ली थी कि वो सारे डेविल हंटर को मार देगा और डेविल की ताकत ले लेगा। वो डेविल कहता है कि सुनो छोटे लड़के, ये बिल्कुल स्टूपिड हैं और जब मैंने इनको अपनी पावर दी तो ये मेरे गुलाम बन गए, मेरी पावर इनको जॉम्बी में कन्वर्ट कर देती है क्योंकि मैं एक जॉम्बी डेविल हूँ। डेविल हंटर हमें मारते हैं। वो उन लोगों से कहता है कि तुम इसके पीसेस कर दो और गार्बेज में फेंक दो। तभी वो डेंजी को मार देते हैं और डेंजी सोचता रहता है कि क्या एक नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचना ही मेरे लिए काफी था, क्या मैं उतना भी नहीं चाहता। और वो डेंजी पर हमला कर देते हैं। एक गार्बेज में डेंजी पड़ा रहता है
और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कटे हुए रहते हैं। वो चीता थोड़ा सा जिंदा रहता है और सोचता है, डिंजी ने उससे कहा था कि अगर मैं डेविल से फाइट करते हुए मर गया तो तुम भी मर जाओगे क्योंकि तुम्हें भी कोई डेविल हंटर मार देगा। मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स बॉडीज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उनमें वो समा जाते हैं, तो अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम मेरी बॉडी ले सकते हो और तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। वो चीता डेंजी की बॉडी पर पूरा कब्जा कर लेता है और डेंजी को वापस जिंदा कर देता है। डेंजी पोचीता से पूछता है कि क्या तुमने वैसा ही किया जैसे मैंने तुम्हें कहा था। डेंजी की बॉडी पहले जैसी ठीक हो जाती है और डेंजी के सारे चोट भी ठीक हो जाते हैं। डेंजी के चेस्ट के बीच पोचीता की पूछ रहती है, तभी वो डेविल दिखता है कि हमने इसे टुकड़ों में काट दिया था फिर भी ये जिंदा है। डेंजी सोच कि इनके पास पहले से ही इतनी अच्छी जिंदगी थी फिर भी ये एक बेटर लाइफ के बारे में सोचते हैं। इसी तरह मेरा भी लाइफ बहुत हैप्पी था जब तक मैं पोचीता के साथ था। सपने देखना एक बुरी बात नहीं होती है। तभी डेंजी पोचीता की पूंछ को खींचता है। डेंजी एक चैनसॉ मैन बन जाता है। डेंजी वहां पर सबको मार देता है। डेंजी कहता है कि अगर मैंने यहां सबको मार दिया तो मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। तभी वहां तीन आदमी आते हैं जिनमें से एक उनकी लीडर होती है। उस लड़की का एक असिस्टेंट कहता है कि एक डेविल अभी भी जिंदा है, उसका नाम माकिमा होता है और वो कहती है इसकी स्मेल काफी अजीब है क्योंकि ये ह्यूमन और डेविल दोनों की तरह स्मेल कर रहा है। वो पूछती है कि क्या तुमने इन्हें मारा है, तो डेंजी कहता है, तो डेंजी गिरने लगता है और कहता है मुझे पकड़ो। माकिमा उसे हक कर लेती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि इसे किसी डेविल ने पॉसेस किया हो, तो माकिमा कहती है कि नहीं, वो इनके चेहरे से पता चल जाता है। माकिमा कहती है कि मैं एक पब्लिक सेफ्टी की डेविल हंटर हूँ कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे से मर जाओ या तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरे पेट बनने तो मैं तुम्हें फूट दूंगी। डेंजी ये सुनकर कहता है कि तुम मुझे ब्रेकफास्ट में क्या दोगी। माकिमा कहती है कि ब्रेड बटर और जैम, सैलेड और कॉफी, शायद डेजर्ट में। डेंजी सोचता है कि ये तो एक सपना सच होने जैसा है। माकिमा डेंजी के साथ कार में चलने लगती है और कहती है कि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ड्राइवर कहता है कि चलो वेस्ट स्टॉप पर हम कुछ खाना ले लेते हैं। डेंजी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो माकिमा कहती है कि तुम जो चाहे वो ले लो, पैसे मैं दे दूंगी और तुम बिना कपड़ों के जीभ लगोगे, इसलिए माकिमा अपनी कोट उतार कर डेंजी को दे देती है। माकिमा डेंजी को पसंद आ जाती है। वहां पर पहुंचकर माकिमा कहती है कि तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर लो, तो डेंजी कहता है कि एक उडोन और एक हॉट डॉग, क्या ये चलेगा, तो माकिमा कहती है कि बिल्कुल। तभी वहाँ दौड़ते हुए एक आदमी आता है जिसे चोट लगी रहती है, वो वहाँ आकर मदद मांगने लगता है। तभी माकिमा उसे कहती है कि मैं एक पब्लिक सेफ्टी की डेविल हंटर हूँ, क्या आपके साथ कुछ हुआ है। तो आदमी कहता है कि मेरी बेटी को एक डेविल लेकर भाग गया है और वो उसे लेकर जंगल की तरफ भाग चुका है। माकिमा डेंजी से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो डेंजी अपना नाम बताता है। माकिमा डेंजी से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती मेरी नूडल्स बासी हो जाएं तो जाओ उस डेविल को मार दो। वो जंगल की तरफ चला जाता है। डेंजी को वहाँ पर पोचीता की याद आती है और वो देखता है कि पेड़ के पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। तो एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसके पास एक छोटा सा डेविल रहता है। वो बच्ची कहती है कि मेरे डैड मुझे मार रहे थे तो इस डेविल ने मुझे बचाया है, इसीलिए तुम इसे मत मारो। डेंजी कहता है कि क्या हम तीनों यहाँ से भाग सकते हैं और अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मुझे मार देंगे। वो बच्ची मान जाती है। तभी वो छोटा सा डेविल एक बड़े से डेविल में बदल जाता है और उस लड़की को पॉसेस कर रहा था। वो डेविल कहता है कि मैं जिस मसल को भी छूता हूँ मैं उसे पॉसेस कर लेता हूँ और मैं एक मसल डेविल हूँ। तभी डेंजी चैनसॉ मैन में बदल जाता है और उस डेविल को मार देता है। डेंजी उस लड़की को लेकर माकिमा के पास जाता है और माकिमा कहती है, माकिमा से कहता है कि मैंने अपना ही बॉडी को काट लिया है और मैंने बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है जिससे मुझे बेहोशी हो रही है। माकिमा उससे पूछती है कि तुम्हारा बॉडी ऐसा कैसे हो गया, तो डेंजी बताता है कि मेरा पेट डेविल मेरा हर्ट बन चुका है। मुझे पता है तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा और मैं भी विश्वास नहीं करना चाहता कि पोचीता मेरे लिए मर गया। माकिमा कहती है कि मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी नाक है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड जिंदा है क्योंकि तुम्हारे बॉडी से डेविल और ह्यूमन और डेविल दोनों की स्मेल आ रही है। डेंजी इस बात को सुनकर काफी खुश हो जाता है और उसे याद आता है कि उसे भूख लगी हुई है और वो कहता है कि मैं अब वो उडोन खाऊंगा। डेंजी वो बासी उडोन को खा लेता है। कि तुम्हारा नाम क्या है, तो माकिमा बताती है कि मेरा नाम माकिमा है। डेंजी उसे पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़के पसंद है। माकिमा कहती है कि तुम्हारी तरह। डेंजी ये बात सुनकर चौंक जाता है और फिर से पूछता है। तो यहाँ पर होता है एपिसोड 1 खत्म और आगे की स्टोरी अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, अगली वीडियो में मैं
फिर से मिलूंगा।